बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं जी। हम लोग जरा थोड़ा सा घर का काम करते हैं, क्योंकि कल परसों अंधारी बहुत आई थी, कमरे में बहुत ज्यादा डस्ट भी हो रही थी। और तो जो पहले तो सबसे पहले नेक दुआएं आप लोगों को देते हैं और लेते हैं, जो मेरे देश से परदेश से लोग बहन भाई देख रहे हैं। अल्लाह पाक उनको अपनी मान में रखे, और जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना दे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा दे। तो नेक दुआओं के साथ वीडियो का करते हैं आगाज। तो देखिए, ऊपर गर्मी भी बहुत हो रही है, और वो जो है ना लाइट भी ऊपर से नहीं है, धूप इतनी आ रही है और धूप की तपिश इतनी आ रही है। अंधेरी तो चल रही थी, मौसम सही हो गया था, लेकिन बाद में जो गर्मी ने अपना रंग दिखाया है वो तो बेतहाशा हो गया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा डस्टिंग कर लूं, क्योंकि हर चीज जो थी ना वो मट्टी मट्टी हो रही थी। और अभी मैंने खाना वाना भी कुछ अरेंज नहीं किया। आज तो मैंने इसके पापा को बोला कि आप जो है ना दही भले ले आए, हम रोज दोपहर में खाना उसी के साथ खा लेंगे। तो मैंने बस रोटियां वगैरह बनानी है, और दही भले जो है ना वो इसके पापा ले आएंगे, आम काट लेंगे। तो गर्मियों में तो इस तरह हल्की फुल्की चीज ही खाई जाती है, ज्यादा हैवी खाने नहीं खाए जाते, और सालन वगैरह भी नहीं खाया जाता। थोड़ा सा बाजार से मंगवाने का या फिर मकसद ये भी हो जाता है, तो थोड़ा सा सामान की भी बचत हो जाती है। घी वगैरह आपको तो पता है जैसे महंगे हो रहे हैं, और हर चीज में महंगाई जो है ना वो अपना असर दिखा रही है। तो अब ये जो है ना साफ हो गई है, कमीज जो है ना इधर टांग देती हूँ। पड़े हैं सिक्के, ये सुनियान है ना, चीज खा के सिक्के सारे बचा के खा रखे। बहुत मट्टी पड़ी है कमरे में, और हर चीज मट्टी मट्टी हो रही है। अगली दफा जब बनेंगे कपड़े तो ये बेडशीट की चादर भी बनेगी। इधर जो है ना धूप की तपिश इतनी आ रही है, कमरा जो है ना बहुत गर्म भी हो रहा है, क्योंकि इस तरफ की आती है ना धूप सामने की तरफ, और इधर जो है ना कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है। दोपहर के टाइम तो खास हो गया। बच्चों का बेड जो है ना ये इधर रखते हैं इधर। तो चलें जी, डस्टिंग जो थी ना मेरी सारी हो गई थी, और मट्टी मैंने सारी झाड़ ली थी। पहले मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना, थोड़ा सा रोटियां वगैरह बनानी है, और उसके बाद जो है ना बच्चे भी आ जाएंगे, जुयान भी आ जाएगा मदरसे से, उसका मदरसे का टाइम होने वाला है आने का, छुट्टी का। तो मैं बनाऊंगी रोटियां। पहले धोती हूँ हाथ, क्योंकि मट्टी बहुत थी, उसके बाद बनेंगी रोटियां।
आटा जो है ना मैं गूंथ के रखती होती हूँ, क्योंकि ताजे आटे की जो रोटी है टूट जाती है और फट भी जाती है, फिर मैंने आटा पहले से गूंथ के रख दिया। बिस्मिल्लाह। तो जी रोटियां मेरी यहाँ पे बन गई थी माशाल्लाह से, और ये जो ना अभी आ जाएगा जोयान, उसके पापा ले आएंगे दही बल्ले, फिर हम लोग खा लेंगे। ठीक है जी, ढक देते हैं ताकि गर्म रहे। ये इसको यहाँ रख देते हैं। तो जी रोटियां मैंने बना ली थी और मैंने यहाँ पे इनको ढक दिया ताकि ये गर्म रहे, और अभी जुयान भी आने वाला है, इसके पापा लेने गए हुए हैं, और मैं थोड़ा सा आज मेरा बड़ा जरूरी काम याद आ गया मुझे, और मुझे देखना है जी प्याज को, क्योंकि मैंने जो प्याज स्टॉक करके रखी हुई थी वो जब सस्ती थी, सर्दियाँ थी, सर्दियों का मौसम था, और ये देखिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैंने लहसुन भी सर्दियों में लेके रख दिया था, और अब ये लहसुन इतना महंगा हुआ पड़ा है, उस वक्त मैंने 100 रुपए किलो लिया था ये, और अब ये जो है ना 350-300 रुपए किलो हुआ पड़ा है, और मैं सोच रही हूँ ये देखिए मेरी प्याज पड़ी है इधर, ये देखिए प्याज पड़ी है, इसको देखती हूँ और ये गल तो नहीं रही, इसको साफ करके रखती हूँ जब तक ध्यान भी आ जाएगा दूर हो जाए। और बाजार में जो ये प्याज है ना अब कहते हैं 100 रुपए किलो मिल रही है, जबकि मैंने उस वक्त 20 रुपए 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो इस तरह मिल रही थी जब ली थी। और आपको तो पता है आगे बकरे ईद आने वाली है, बेशक हम गरीब बंदे कुर्बानी करें ना करें, लेकिन चलो कहीं से आ जाएगा गोश्त, ये चीज़ें तो पड़ी होंगी ना, तो मैं इसको अब साफ करके रखती हूँ और देखूँ चेक करूँ कि ये गल तो नहीं रही, तो सारी साफ करती हूँ, लेकिन ये शुक्र है बच गई है, ये खराब हो गई है, ये भी खराब हो गई, इसलिए मैंने सोचा मैं जो है जो खराब है ना वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक जो प्याज है ना वो अगर खराब हो भी गई ना तो उसने सबको खराब कर देना, इसलिए मैंने इसको साफ करके रख दूँ। और आपको तो पता है गर्मियों में प्याज बंदा बना लेते हैं साथ में रोटी, और प्याज के साथ भी बंदा खा लेते हैं सलाद बना के, ये भी खराब है। ये छोटी बड़ी सारी जो प्याज है ना ये इधर मिक्स है, ये जो है ना ये देखो देखा मेरे हाथ कैसे होते हैं, सारी जो है ना जो पा रही ना सवली जी पई होंगी, पर बच गई है, मैंने सोचा और भी इसको ना जो खराब प्याज है वो लैदा कर दूं, देख सकते हैं मेरी प्याज जो है ना ये साफ हो गई है, और ये है कचरा, इसको हम वहां रखेंगे, जुयान आएगा और शाम को जाके ना फेंक के आएगा, ये दोनों डस्टबिन जुयान जाके फेंक आएगा, और मैं धोती हूँ हाथ, ये देखिए मेरे हाथ कितने गंदे हो रहे हैं, और जुयान भी आ गए, और अब मैं हम निकालते हैं दूर से बन, अब मैं निकालती हूँ खाना, निकाल दू खाना, जुयान बना रहे मेरी वीडियो और हम निकालते हैं खाना, ये माशाल्लाह से हमारे आ गए हैं, ये आम भी पड़े हैं कल वाले, तो मैंने सोचा रोटी के साथ ही खा लेंगे, और ये हमारी है रोटी, बाहर अंदर बैठते हैं तो बाहर तो बहुत ही गर्मी हो रही है, पसीना भी आ गई है, हाँ।
रहमान रहीम, ये जी हैं हमारे दही बल्ले। ये जो है हम आम काट रहे हैं क्योंकि दोपहर के टाइम में आम भी अच्छे लगते हैं और वो भी रोटी के साथ खा लिए जाते हैं। काट दिए हैं और माशाल्लाह से ये दही बल्ला भी निकाल दिए हैं और अब हम खाना खाएंगे। और जिस बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना है, दही बल्ले भी हैं, आम भी है, मोस्ट वेलकम, हमारे पास आए खाना खाएं। और आपको तो पता है वैसे भी मेहमान के आने से अल्लाह पाक खाने में रिस्क पे बरकत दे देता है। तो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं जी। बहुत मजेदार लग रहे हैं भाई। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खाना वाना हमने खा लिया था और ये दोपहर का टाइम है तो मैंने आप सोचा कि आपके साथ दोपहर की रूटीन शेयर करूं अपनी सोने के टाइम की। अब हमने खाना खा लिया था और अब हम अब लोग सोएंगे। तो प्लीज बहन भाई, मेरे प्यारे बहन भाई जो मुझे देश से परदेश से देख रहे हैं, वो मुझे पूरी सपोर्ट करें, मेरी वीडियो फुल वॉच करें और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की काफी जरूरत है जी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।